आप सभी लोग जानते होंगे कि जापान के शहर टोक्यो में आपके ओलंपिक खेल आयोजित किए जा रहे हैं। उसमें हमारी स्थिति की अगर हम लोग बात करें, आज तक की बात कर रहा हूँ, यानी कि 7 अगस्त तक की, तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक हम लोगों ने टोटल 7 मेडल जीते हुए, जिसमें एक तो आप देखेंगे गोल्ड है, दो आपकी सिल्वर हैं, चार आपकी ब्रांज मेडल हैं। वहीं हमारे पड़ोसी की अगर हम बात करें, यानी कि चाइना की, तो 38 गोल्ड हैं, 31 सिल्वर हैं और 18 ब्रांज मेडल हैं, यानी कि उसके टोटल 87 हैं और हमारे कितने हैं, टोटल 7 हैं। यहाँ से आप लोगों को जमीन और आसमान का फर्क दिखाई दे गया होगा। इसकी वजह भी है, कई बार बता चुका हूँ, इतना अंतर आखिर किस कारण से है, कौन से कारण जिम्मेदार हैं, उनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। और आप लोग सोचिए कि आखिर अगर हम लोग ये काम करते तो हम भी चाइना को टक्कर दे रहे होते। वो कौन से कारण है जो हम लोगों ने नहीं किए, और वो जो कौन से कारण है जो चाइना ने किए, तो उनके बारे में दो चार पॉइंट आप लोग लिखिए नीचे। कई बार हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं पिछली क्लासों में। आपने देखा है कि एक आपके बजरंग पूनिया है, इनसे हम लोगों को उम्मीद तो यही थी कि गोल्ड मेडल लेके आएंगे, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से हमारे खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जाती हैं उस हिसाब से अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इन्होंने ब्रांज मेडल जीता हुआ है, कांस्य पदक जीता हुआ है। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको बता देता हूँ, एक तरह से आप इनका जीवन परिचय कह लीजिए, हो सकता है कि आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आ जाए इनसे पूछ ले। तो बजरंग पूनिया की आप लोग फोटो भी देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रही होगी, तो ये है आपकी बजरंग पूनिया। अगर हम लोग इनकी इनके जन्म की बात करें तो 26 फरवरी 1994 को इनका जन्म होता है खुदान झज्जर हरियाणा में। और आप सभी देख रहे होंगे कि ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें से अधिकतर खिलाड़ी आपको हरियाणा से ही देखने को मिलेंगे, और इससे पहले भी आपके देश में जितने भी खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जितने खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, उनमें से अधिकतर खिलाड़ी आपके हरियाणा से ही निकल के आते हैं। एक तरह से आज कोई भेज रहा था, कोई लिख रहा था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में आपको कोई युवा नेता, कोई महामंत्री, कोई हंत्री, कोई फंत्री, इस तरह के लोग मिल जाएंगे, यानी कि राजनीति करने वाले, तो उसी तरह आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में कि वहाँ के बच्चे खेलों में आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे। तो उनका पैशन ही एक तरह से यही बन चुका है, उसका भी आप लोग देख भी रहे हैं कि नाम भी हो रहा है। अगर हम लोग इनके पिता की बात करें तो बलवान सिंह पूनिया इनके पिता हैं, और माता की बात करें ओम प्यारी पूनिया इनकी पिता हैं, और जीवन साथी आप सभी जानते हैं कि संगीता फोगाट। ये फोगाट बहनों के बारे में भी आप लोगों ने कहीं भी पढ़ा होगा, तो इनकी जीवन संगनी है, ये भी पहलवान ही है, कुश्ती लड़ती हैं, ठीक है। व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पहलवान है और रेलवे में राजपत्रित अधिकारी भी हैं, ठीक है। अगर हम लोग इनकी उपलब्धियों की बात करें, और वही देखना भी चाहिए, उन्हीं की वजह से हम लोग इनके बारे में पढ़ भी रहे हैं, तो विश्व प्रतियोगिता में इन्होंने कई बार भाग लिया है, जिसमें आप देखेंगे 2018 में बुडापेस्ट में भाग लिया था, इसमें रजत पदक इनके हाथ लगा था 65 किलोग्राम में। 2013 में आप देखेंगे बुडापेस्ट में, इसमें कांस्य पदक इनके हाथ लगा था, ये 60 किलोग्राम में भाग लिया था। 2019 में नूर सुल्तान में भाग लिया था 65 किलोग्राम भार में, और कांस्य पदक इसमें जीता था। उसके बाद आप देखेंगे अगर एशियाई खेलों की बात की जाए, एशियाई खेलों की, तो आपने देखा होगा कि एशियाई खेल 2014 में इंचान में हुए थे, इसमें इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था, और 2018 में जकार्ता में हुए थे, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया हुआ था, गोल्ड, ठीक है। अगर आपसे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें
तो आपको मालूम होगा कि 2014 में ग्लासगो में हुए थे और 61 किलोग्राम भार में इन्होंने भाग लिया था, इसमें रजत पदक इनके हाथ लगा था। 2018 में आप देखेंगे गोल्ड कोस्ट में हुए थे और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता था 65 किलोग्राम भार में, ठीक है। और एशियाई अगर हम लोग चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि 2013 में नई दिल्ली में हुए थे, इसमें इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था। 2014 में अस्ताना में हुए थे, इसमें इन्होंने रजत पदक हासिल किया था। तीन मेडल रहते हैं, एक तो गोल्ड मेडल जिसे आप लोग हिंदी में स्वर्ण स्वर्ण पदक कह देते हैं, दूसरा आप देखते हैं सिल्वर जिसे आप लोग रजत पदक भी कहते हैं, तीसरा होता है आपका ब्रांज मेडल, इसे आप लोग कांस्य पदक भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि नई दिल्ली में 2017 में हुई थी, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था यानी कि स्वर्ण पदक। फिर 2018 में बिस्केक में हुए थे, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2019 में सियान में हुए थे, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2020 में नई दिल्ली में हुए थे, इसमें इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि इनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि एक गोल्ड मेडल जरूर जरूर लेके आएंगे। 2021 में आप देखेंगे अल्माटी में हुआ था, रजत पदक इसमें इन्होंने हासिल किया हुआ था। आप देखेंगे जो पहले नंबर पर रहता है उसे गोल्ड मेडल मिलता है, दूसरे नंबर वाले को रजत पदक और तीसरे को कांस्य पदक, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे विश्व अंडर 23 चैंपियनशिप में अगर हम बात करें तो इन्होंने जो 2017 में बियाड़ गोश्त कई में हुई थी, इसमें इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया हुआ था। अगर आपसे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप की बात करें तो 2016 में सिंगापुर में हुई थी और इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। 2017 में ये ब्रेक पेन में हुई थी, इसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया हुआ था। एशियाई इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स ये 2017 में असगावात में हुए थे और इसमें आप देखेंगे स्वर्ण पदक इनके नाम लगा था, गोल्ड मेडल जीता था। और आप सभी जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 2020 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 2020 में होने थे लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये आगे बढ़ाकर 2021 में आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 ही इनका नाम रखा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कुश्ती में पहलवान बजरंग पूनिया ने ब्रांज मेडल यानी कि कांस्य पदक अपने नाम किया हुआ है। चलिए इस बार तो जैसा भी रहा है आने वाले समय में दुआएं करिए कि गोल्ड लेके आए, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार आपकी परीक्षाओं में भी, और परीक्षाओं में ना भी पूछे तब भी मुझे लगता है कि इन लोगों के बारे में मालूम तो होना चाहिए। आप भी लगे रहिए, आप भी दो चार गोल्ड मेडल ले आइए, आपको वो पॉइंट जरूर बताना है हमारे पिछड़ने के आखिर कारण के कौन से हैं, ठीक है। दो चार पाँच छः पॉइंट आप लोग याद करिए, आप लोग पूछ लीजिए किसी से आपस में बहस करके निकालिए अच्छे, और आप लोग बताइएगा क्योंकि इस तरह के कई बार आपसे पूछ सकता है कहीं भी इंटरव्यू में या और भी जगह कहीं पूछे कि हमारे पिछड़ने के आखिर कारण कौन कौन से, तो आपको बताना चाहिए, ठीक है। चलिए एंजॉय करिए आप लोग।